सायराम, मैं ये आज का सब्जेक्ट जो है ये मैं बताना चाहूंगा मैंने क्यों चुना सब्जेक्ट। मैंने क्या चुना? एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सेप्टेंस। अभी मेरे इर्द गिर्द काफी काफी ऐसी बातें हुई। व्हेन आई से मेरे इर्द गिर्द तो मतलब लोगों के बीच में, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली एंड अराउंड मी, सम ऑफ देम साई डेवोटीज, सम ऑफ देम नॉट। बट मैं ये देखता हूँ हम लोग जो मतलब हम जो एक इंसान आज का जो है, स्पेशली आज का जो स्ट्रेसफुल जो माहौल है ड्यू टू पैंडेमिक एंड इवन अदरवाइज, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। बट एनीवे, सिंस वी हैव साई डेवोटीज, हमारा एक बेस बना हुआ है, हमको एक भगवान ने एक एक पर्सपेक्टिव दिया है लाइफ को, तो हम मैं क्या लाइफ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम अपने लिए वी कैन डिसाइड एज टू व्हाट शुड बी आवर स्टैंस, व्हाट शुड बी आवर फोकस ऑन, किस चीज पर फोकस हमको ज्यादा करना है। तो मैं ये देखता हूँ कि दो चीजें मुझे बहुत मिली जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड वो है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, एक्सेप्टेंस कम है, एंड दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो एक्सपेक्टेशन, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हम साई डिवोटीज हैं, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्टेंस ये हॉल मार्क्स हैं किसके? एक्सेप्टेंस है फॉर अ डिवोटी, अ डिवोटी हु इज कमिटेड टू उसके अपने, जिसको भी कोई मानता है, हम लोग जैसे साई स्वामी को मानते हैं। सो इफ वी आर कमिटेड डिवोटीज, वी आर डिवोटेड डिवोटेड डेडिकेटेड डिवोटीज ऑफ भगवान, देन एक्सेप्टेंस शुड बी आवर बेस ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ। एंड एक्सपेक्टेशन जो है वो आम है, इंक्लूडिंग डेबुटीज, सम ऑफ द डेबुटीज आई फाइंड दैट फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड इसलिए आई वुड क्लब देम अलोंग विद नॉन डेबुटीज, दोज हु डू नॉट रियली, दोज हु आर नॉट कमिटेड टू स्वामी। व्हेन आई से कमिटेड मीन्स वन हैज टू अंडरस्टैंड वॉट स्वामी स्टैंड फॉर। एनीवे दैट विल कम टू लेटर ऑन, बट एक्सपेक्टेशन वर्सेज एक्सेप्टेंस इज, इफ आई मे से, नॉन डेविटी वर्सेज ए डेविटी, दीज आर द टू हॉल मार्क्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज आई क्लासिफाई एज डेविटी एंड दी अदर नॉन डेविटी। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉन डेविटी मैं कहता हूँ, इसमें हमारे साई डेविटीज भी बहुत आते हैं, बहुत सारे आते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली और एक स्ट्रेंज उसमें वो भी है कि जो ज्यादा सीनियर है वो इसमें ज्यादा है, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है, यंगस्टर्स जो लोग आ रहे हैं, वो हालांकि स्टेप इन नहीं करते ऐसे इश्यूज में, स्पिरिचुअल पाथ तो बहुत एक बहुत ऊंची बात है, बट अगर वो स्टेप इन करते हैं तो दे आई फाइंड आर मोर कमिटेड, देयर सीरियसनेस इज जेन्युइन एंड रियल। बट हम लोग जो पुराने हो गए हैं, वी हैव स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि स्वामी ने हमको फोर वैल्यूज पहले बताते थे स्वामी, बिफोर 80s, 80s से पहले स्वामी कहते थे सत्य धर्म शांति प्रेम, फोर वैल्यूज, ये चार वैल्यूज जो है ये दीज आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए ट्रू डेवोटी। 1982 में उन्होंने नॉन वायलेंस भी ऐड किया,
because non-violence, he said that is the essence of all values. Jo aadmi ye char values practice karta hai, he alone will become non-violent. So he added this value only after 1982. And then he said, okay, so all these years I've been talking about values as qualities of a devotee, hallmarks of a devotee. But how to inculcate human values, manaviya mulyon ko apne jeevan mein, aap kaise apnaoge? Kaise unko internalize karoge? Apne jeevan ka hissa kaise banaoge? And unhone kaha ki ek to personal, apni life mein, aur dusra, jo bacche hain, future generation hain. And for that, he introduced a system of education in schools. He asked most of us, all of us, in fact, jo hum bal vikas se associated the, to go in for this bal vikas movement, EHV movement, education in human values. To usme swami ne hame bataya ki kaise even in jo curriculum hai, courses hai, subjects hai jo hum sikhate hain bachcho ko, बच्चों वो सब्जेक्ट ऐसे सिखाओ ताकि तुम्हारा फोकस ह्यूमन वैल्यूज पे रहे थ्रू दो सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कुछ भी है. आप ट्राई टू ब्रिंग इन ह्यूमन वैल्यूज थ्रू दो सब्जेक्ट. अब आप कहोगे कि भाई ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट हम करें, मैथ्स में कैसे करोगे? स्वामी ने ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दिया कि मैथमेटिक्स is all based on human values. Bhai kaise sunke bada hairan lagega. Zero, hum kisi ko bol dete hain to shunya hai, zero hai, zero or hero. But any digit divided multiplied by zero becomes zero, but anything divided by zero becomes infinity. What does that mean? Agar tum apne aap ko bahut hero samjhoge, that means multiply karte rahoge, to tum you will become a zero. But if you division mein kya hota hai, if you become a denominator, that means if you are a humble, if you are truly humble, if you consider main bhi zero hu, because swami as it is says that become hollow like a murli, ekdam hollow raho, kuch bhi nahi rakh apne andar rakho. If you become zero, the denominator agar zero hai, to result ho jayega infinity. That is, Swami, God, you will blossom into that divinity, or that divinity will blossom into you. So he said, ki, you have to teach. And of course, history, geography, har subject mein Swami ne bataya kaise human values kar sakte hai, aur wo jo hai movement bahut zabardast chali. Then Swami also said, Satya, Dharma, Shanti, Prem, Ahimsa. Ab inme jo love hai, that is the central value. Because love in thoughts is Satya. Love in action is Dharma. Love in your feelings is peace. Love in understanding becomes non-violence. When you understand all these values, understand means not just intellectually, mentally, but when you practice, understanding means when you practice and then you understand its meaning, what actually these values, human values are, then only you become non-violent. You understand the non-violence, because non-violence, he also associated it with personality. Human personality, वो दूसरा एक subject है. In any case, further उन्होंने क्या बताया कि ये जो subject है EHV, education in human values, इसको हम उन्होंने दूसरी तरह से कहा, this is 3HV, head, heart and hands. तो 3HV, all these three, head, hands and head, heart and hands, these three also should be
इनके अंदर भी ये मानवीय मूल्य जाने चाहिए. तो 3 EHV इज इक्वल टू 3 HV, हेड हार्ट हैंड्स. व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? ही मेंट कि मोस्टली हम हैंड्स बाय हैंड्स ही मेंट बॉडी. Hands are representative of the physical actions and all that. So hands means body. Mostly जो हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं life में, वो head में हमारे ख्याल आता है, मन में विचार आया, बुद्धि ने एक विचार उसके उसके अंदर आया और straight away order दिया hands को and हम action करते हैं. But mostly ये actions जो है वो गलत होते हैं. Only if it takes the sanction of heart, then when you take the sanctions of your heart before you translate into action, then whatever you do, it has to be righteous action. Wo dharmik tumhara ho, wo jo bhi karoge tum, that will be a righteous action. So he said, man is a tripod, head, heart, hands. So before you indulge into any action, take the sanction of the heart. So rather than head commanding the hands and then indulging in action, you take the sanction of heart first. Heart se sanction leke jab to, not to mean ki bhai ye thoda ek lamba process hoga, pehle head mein vichar aaya, acha bhai hum kare ki nahi, heart mein socha. No, this happens instantaneously. And agar hum isko practice karte hain, then normally whatever happens, it is the heart which rules. Head ko immediately jata hai, immediately, we indulge upon the action. And wo hamara action jo hamesha righteous hota hai. That is always a right action. So heart should always lead the head, and then the head should lead the hands. And that, he said, is the sign of a true devotee. That is where acceptance comes. When your actions are righteous, when you take the sanction from your heart, then you don't expect anything. Because expectation mein fear hai. You expect means you imagine somebody to behave in a particular manner. Aur aap sochte ho ki jaisa aap chahte ho wo behave karega waise. Wo aksar nahi hota hai. To hum disheartened ho jate hain. Disillusioned हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सारी नेगेटिविटी जो हमारे अंदर आती है. बट एक्सेप्टेंस इज जो कुछ भी होगा मैं उसको भगवान का प्रसाद समझ के मैं ग्रैंड करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज एक्सेप्टेंस हैज द सैंक्शन ऑफ हार्ट. सो हार्ट से जब हमने सैंक्शन लेके कोई भी एक्शन किया तो वो राइटियस ही होगा, और उसमें खाली देना ही देना. एक्सेप्टेंस मींस गिविंग. एक्सेप्टेंस हैज दैट इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ गिविंग, और उसको जो भी मिलता है उसके रिटर्न में एज ए रिजल्ट ऑफ वट एवर यू डू, दैट इज द प्रसाद. क्यों गीता कहती है, राग द्वेष वियुक्त इस्तु विषयान इंद्रिय आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति. जिसने अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कंट्रोल कर लिया है, एंड विधेय आत्मा मींस ओनली अपने हार्ट की बात सुनता है, वो अपने अंतर आत्मा की बात सुनता है, प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद की अवस्था मिल जाती है. व्हाट इज प्रसाद? प्रसाद इज नॉट व्हाट वी ईट आफ्टर भजन और यू नो एनी एक्टिविटी जो हम करते हैं. वो खा लिया, वो अगले दिन हमने उसको निकाल भी दिया, दैट्स नॉट प्रसाद. प्रसाद जो है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते. प्रसाद इज दैट मेंटल स्टेट वेयर देयर इज नो दुख. सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सब दुख खत्म हो जाते हैं, वो दुख भी प्रसाद बन जाता है हमारे लिए. सो दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड फॉर वन हु एक्सेप्ट्स व्हाटएवर कम्स हिज वे, व्हाटएवर हैपेंस इन हिज लाइफ, whatever happens with people with under different circumstances, so that is prasad for him. So hamare life ka attitude yahi hona chahiye ki jo bhi aaya wo prasad ho.
ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्टेशंस, अब एक्सपेक्टेशन हमारे आप देखो सब, वी आर ऑल फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन. हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है कि वाइफ थोड़ी सी बदल जाए तो आई विल बी मोर हैप्पी. हस्बैंड कहता है वाइफ थोड़ी बदल जाए वो आई विल बी मोर हैप्पी. वाइफ कहती है हस्बैंड थोड़ा बदल जाए आई विल बी मोर हैप्पी. फादर कहता है सन अगर ऐसा बिहेव करे तो वील ऑल बी हैप्पी. एंड सन को भी शिकायत है फादर से, ब्रदर को शिकायत है सिस्टर से, ब्रदर को शिकायत है ब्रदर से, मदर इन लॉ को शिकायत है डॉटर इन लॉ से. मदर इन लॉ का बेटा है, माँ का बेटा है, बेटे की शादी हुई, नई नई शादी हुई, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो वो माँ कहते हैं, माँ जो है वो सपने देखना शुरू कर दी कि ये बेटी जो बहू आई है एक बेटे को जन्म देगी, बेटा जब बड़ा होगा तो बहू लाएगा, बेटा भी हो जाता है बच्चा छोटा आ जाता है, ये जब एक बहू लाएगा तो सुंदर सी बहू लाएगा और वो मेरी खूब सेवा करेगी, इस तरह के वो सपने लेना शुरू करती है. उधर जो जिसकी शादी होनी है लड़की की, वो उसको लोग बताते हैं तू जहाँ जा रही है वहां पे तेरे को माँ जैसी एक सास मिलेगी, वो तेरे से खूब प्यार करेगी. दोनों ही सपने देख रहे हैं. और होता क्या है, जब बेटा होता है, बेटा बड़ा हो जाता है, सॉरी जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, ऐसी सास मिलती है कि जो उसकी चुटिया पकड़ के उसको उससे काम करवाती है. और सास का क्या होता है, जब बहू आती है तो वो ऐसी ऐसी बहू मिलती है कि उसको गले दबाए बगैर वो बात ही नहीं करती. तो इस तरह की बात, एक्सपेक्टेशंस मोस्टली हमारे जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, पूरे नहीं होते, तो हमको दुख होता है. और ब्रदर ब्रदर के साथ एक्सपेक्टेशन रखता है, नेबर हम नेबर्स के साथ वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि नेबर अगर हमारा सुधर जाए. कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे सुधरने की जरूरत है, मुझे सुधरने की जरूरत कोई नहीं सोचता, वो कहता अगला ही सुधर जाए, दूसरों में ही हम खोट देखते हैं. इसीलिए वो एक्सपेक्टेशन जब होती है, इसलिए एक्सपेक्टेशन होती है और इसीलिए डर होता है. एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फियर कि भाई अगर अगर अच्छा नहीं हुआ, अगर मेरी जैसी मैं उम्मीद करती हूँ अगर ऐसा ना हो, ये फियर ही है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से रिलेशंस जो हैं दे एंड इन डिजास्टर्स. तो डाइवोर्स होते हैं, लीगल सूट चार्ज कल इतने होते हैं. दो भाई हैं, दोनों का एक का नाम है राम सेवक और दूसरे का नाम है राम भक्त, और दोनों के लीगल सूट चल रहे हैं कोर्ट्स में. क्यों? क्योंकि पिता की डेथ हो गई है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, एक भाई कहता है मेरा हिस्सा तेरे हिस्से में चला गया तो वो मुझे चाहिए, मुझे वापस दे, वो नहीं मानता है, तो लीगल कोर्ट का. तो आपस में भाई लड़ते हैं और दोनों अपने आप को राम भक्त कहते हैं. ये नहीं देखते कि राम का भक्त तुम हो कुछ तो उसका क्या मतलब होता है. What does राम कृष्ण और इवन फॉर दैट मैटर स्वामी स्टैंड फॉर अस. राम को वनवास भेजा गया, खुशी खुशी वनवास चले गए, तो लक्ष्मण कहता है भाई तुम अकेले कैसे जाओगे, तुम्हारी सेवा के लिए मैं चलूंगा. उसे नहीं, तू तू राज कर यहाँ पे, तू यहाँ पे बैठ, तू यहाँ पे राजसुख भोग अपना. वो कहता है नहीं आप कष्ट में होंगे तो मैं कैसे. वो भी गया, वो भी उसके साथ गया. एंड देन भरत, भरत को जब मालूम पड़ा कि मेरी माँ ने इस तरह से कैकेयी ने इस तरह से बड़े भैया को भेज दिया है, तो वो क्या वो अपने भाई की खड़ाव लेके, वो सॉरी खड़ाव तो बाद में मिली, वो अपने भाई को मिलने के लिए जंगल में जाता है. जंगल में जब जाता है तो लक्ष्मण देखता है दूर से कि भरत आ रहा है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, सेना भी है शायद. वो सब भरत समझता है कि ये शायद हमको मारने के लिए आया है, क्योंकि लक्ष्मण को एक्सपेक्टेशंस थी. लक्ष्मण हैड लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन थी तो फियर भी था. उसने देखा भरत आ रहा है तो ये जरूर हमको मारने के लिए आ रहा है कि जंगल में भैया गया हुआ है, भाई खत्म कर दो, कोई लौट के आने की बात नहीं, 14 साल के बाद क्या कभी भी लौट के नहीं आएगा, तो मैं ही राजा बनूंगा, ये इसलिए आ रहा है. तो राम को कहता है अपने भाई को कि बड़े भ्राता श्री को कि तो लक्ष्मण आ रहा है, फौज लेके आ रहा है, हमको हम पर हमारे ऊपर अटैक करेगा. तो राम उसको समझाते हैं डोंट बी ए फूल,
ऐसा मत सोचो। और जब भरत आता है तो क्या कहता है, क्या होता है? भरत कहता है, भैया आप वापस चलो, आप ही राज गद्दी के लायक हो, मैं नहीं। वो कहते नहीं, यहाँ पे दो भाई आपस में लड़ रहे कि नहीं, दोनों लड़ते हैं और वो भी राजगद्दी को लेके, लेकिन वो कह रहे तू जा, तू राजगद्दी पर बैठ। वो कहता है तू राजगद्दी पर बैठ। और आज हमारे राम भक्त और राम सेवक जो है वो लड़ रहे हैं कि तू मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है तूने, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो क्यों है? एक्सपेक्टेशन है। इसलिए एक्सपेक्टेशन ही आज हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। Expectations are always asking for something. What I wish for, तो मैं expect करता हूँ, like a beggar, एक भिखारी की तरह हमेशा कुछ ना कुछ मुझे मिले, ये expectation रहती। और acceptance is when you believe in giving without expecting anything in return. और स्वामी ने हमको क्या सिखाया? स्वामी आए थे हमको सिर्फ देना सिखाने के लिए। एक चीज भी बताइए जो स्वामी ने हमसे मांगी, कुछ भी नहीं मांगा सिवाय ये कि माई लाइफ इज माई मैसेज एंड योर लाइफ शुड बी माई मैसेज। बस यू शुड लव योर नेबर, यू शुड लव योर ब्रदर, यू शुड लव एवरीबडी, यू शुड लव एवरी लिविंग बींग्स एंड यू शुड सर्व देम, लव ऑल सर्व ऑल। ये उन्होंने सिखाया हमको, देना सिखाया। ही टॉट अस गिविंग ऑल दीज प्रोजेक्ट, स्कूल, कॉलेजेस, वाटर प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल्स। क्या है? स्वामी ने दिया ही दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं। तो स्वामी की कोई एक्सपेक्टेशन हमारे साथ नहीं थी। ही केम ओनली टू टीच हाउ टू गिव, नॉट टू एक्सपेक्ट, ओनली टू गिव, दैट्स ऑल। सो ऑल हिज लाइफ ही ओनली गिव। ये जो अभी बिटिया ने जो नाम लिया अपने बेटे ने, श्रीनिवास ने, एजुकेयर, सोशियो केयर, मेडिकेयर, ये क्या है? दीज आर ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम ओनली गिविंग केयर। नाम उन्होंने केयर का दिया। एजुकेशन के थ्रू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन लाइक अ मदर टेक्स केयर। तो केयर वर्ड जो यूज किया हम लोग कहते, उसको कहते हैं एजुकेशन, कहते हैं सर्विस कहेंगे एट द मोस्ट, एजुकेशन सर्विस। हाँ, और सर्विस कौन सी दे रहे हैं? कुछ नहीं, वी सर्व ओनली टू गेट समथिंग। वो हमारी सर्विस नहीं है। पर स्वामी ने इसको कहा नो, इट हैज टू बी केयर, यू हैव टू टेक एजुकेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन बाय गिविंग देम राइट एजुकेशन, बाय एजुकेटिंग देम इन ह्यूमन वैल्यूज, बाय व्हाटएवर यू एजुकेट दिस ह्यूमन वैल्यूज, दे शुड ब्लॉसम इन दीज ह्यूमन वैल्यूज। सोशल केयर, वाटर प्रोजेक्ट वगैरह, कितना जो उन्होंने इतने दूर दूर जाके इतने कितने थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, अब तो पता नहीं कितने विद इन फर्स्ट ईयर 1500 विलेजेस कवर किए थे, आजकल आज तो पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस हैव बीन कवर्ड अंडर दिस स्कीम। सो व्हाट डिड ही गेट इन रिटर्न? डिड ही गेट एनीथिंग? ही ओनली गेव। सोशियो केयर, दैट वॉज सोशियो केयर, सर्विंग द सोसाइटी in what they try to find out whatever the needs of the society and give the society whatever they need, don't expect anything, that is caring like a mother. And then of course Medicare you are. So main ab is cheez ko khatam karna chahunga and ek prayer hai Saint Francis ki, mujhe bahut achhi lagti hai. Wo kehte hai, oh divine master, grant me that I may not so much seek as to be seek to be consoled as to console, to be loved as to love, for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we pardon, it is in dying that we are born to eternal life. And before ending, I would like to एक स्वामी की quotation जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वो वहाँ पे चिन्मय जो है वो स्वामी का एग्जीबिशन जो है उसमें भी, उसमें से मैंने ये नोट की थी। स्वामी कहते हैं, the totality of divine energy has come into humanity as Satya Sai
to go to each and every one of you, to wake up the slumbering divinity of every human being. Even in your sleepiness or your weakness for sleep, you growl, grumble, or groan, kick, quarrel, or cry, I will not forsake you. I will not let your divinity go to sleep. A mother never forsakes the child. She carries or lets the child fall down. Even if the child works out its resentment and anger on her, I have come to help, to accompany, and to carry you. I will never fail in my duty to my children. I shall be grateful to each child of mine who helps me in my task. There is no stepping down in your Godward march. It is a continuous journey through day and night, hill and dales. Where the road ends, you attain God. And the pilgrim finds that he has traveled from himself, small h, himself, to himself, capital H, that is God. Thank you very much. This is all that I wanted to say. Yeah, of course, we will be human, but a suffering human or enlightened human? You see, like Buddha said, that life is suffering and you have to suffer. You have to suffer. You will suffer, definitely, because life is nothing but suffering. But he said, tum bhokta bankar bhogoge ya drashta bankar bhogoge. Human beings means suffering. Human life, we have taken a body because of our past karmas. That means we have to mitigate whatever debt we are supposed to pay in terms of कर्माज, नो, जो भी हमारे बैड कर्माज हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए हमको ये बॉडी मिली है, तो सफर तो करना ही पड़ेगा. एंड सफरिंग ह्यूमन बीइंग के लिए इट्स अ नॉर्मल थिंग. बट हाउ डू वी सफर, हाउ टू सफर, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. यू सफर एज ए सफरर और यू सफर एज ए विटनेस. बिकॉज वॉट इज द डिफरेंस वेन यू सफर एज ए सफरर. भोक्ता बनकर अगर भोगोगे तो क्या, हाय रे मरा रे, हाय रे क्या करूं. देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल, यू स्टार्ट ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस, यू स्टार्ट ब्लेमिंग सिचुएशंस, यू नो. तो वो वही है. बट व्हेन यू बिकम ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू यू, व्हाई इज इट हैपनिंग टू यू, व्हाट इज इट हैपनिंग टू यू, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, देन यू डोंट ब्लेम अदर्स. You take all the responsibility, since this is happening to me and this has come from me only. Where every individual, after all, we are all energy. No, we are all right. Energy, because they say that energy condensed is matter, energy diffused is spirit. So we are all energy and we are receivers as well as transmitters. What we give, it comes back to us. So when we undertake an action, we are releasing an energy that will come back tenfold to us. We release a negative energy, it will come back tenfold in a negative manner. And if we are releasing a positive energy, it will again come back to us tenfold. So it is up to us to whether I choose to go through this life as a sufferer or as a witness. भोक्ता बनकर भोगे या दृष्टा बनकर भोगे. तो ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग, एंड बट देर आर कैटेगरीज इन ह्यूमन बीइंग. नो, वी एज डेवोटीज सिंस वी आर डिवोटेड टू एन एंटिटी लाइक स्वामी, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज ही मीन व्हेन ही सेज दैट माय लाइफ इज माय मैसेज. व्हाट वाज हिज लाइफ? ही सफर्ड, डिडंट ही सफर? फॉर हूज सेक? Our sake. So he suffered, he gave, yet he gave. So expectation is just negating all that, no? So hum negate kar rahe Swami ki teachings ko. Well, you know, expectations are when you do not have the right perspective
of situation. You expect only what you like others to do or behave, you know, as per your own whims and fancies. So you are actually dependent on the other person. You are dependent on things outside you to behave in a particular manner. So you are giving the control, the lever of your happiness in others' hands. Where is the guarantee that the other person will behave whichever way he'll behave, it will satisfy you? Is there any guarantee? No. So accept. Even if I expect him to behave in a certain manner, he doesn't. If you have that dignity to accept, okay, theek hai, koi baat nahi. You know, uska level itna hai, so he's behaved like that. You know, maybe he's sick. Maybe uski understanding itni hai. Maybe he is not, evolved that much. Uska itni samajh nahi hai. Maybe wo bimar hai. If you accept it gracefully, then who is the beneficiary? Being spiritual, spirituality does not mean meditation karte rehna, bhajan gaana. Humne dekhe hai, maine dekhe apne organization mein. Abhi mere ko kal hi state president bata rahe the ki 70-75 saal ka buddha devotee bolta hai ye mere ko chance nahi deta, bhajan gaane ka chance nahi deta, main 50 saal se ga raha hu. मैं सॉरी 40 साल से गा रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ, और ये यंग छोकरा है, भजन इंचार्ज बन गया, ये मेरे को भजन नहीं गाने दे रहा. अब बताओ 40 साल से वो भजन गा रहा है एंड येट ही थिंक्स दैट कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा काम खाली भजन सीखना और भजन गाना है. तो क्या व्हाट इज आई मीन एक्टिविटीज आर ओनली मीन्स टूवर्ड्स एन एंड. वी हैव टू फोकस आवर अटेंशन ऑन द एंड, नॉट the means. Our goal should be the end, not the means. Main organization mein aaya hu sirf singer banne ke liye, sirf bal vikas guru banne ke liye. Guru ka bhi ego dekha maine, seva dal ka bhi authority hai hamare paas. Activities mein humko swami ne dal ke rakha hai isliye, because we are used to activity. So theek hai, activity karo jo tumhare dil ke को अच्छी लगती है वो एक्टिविटी. लेकिन एक्टिविटी में डोंट गेट बॉग डाउन इनटू दोज एक्टिविटीज, डोंट मेक दोज एक्टिविटीज योर समम एंड बोनम, नो योर एंड एंड बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. नो दैट्स नॉट योर गोल, दैट शुड नॉट बी योर. थ्रू द एक्टिविटी ट्राई टू, वो स्वामी क्या कहते हैं, आई टू वी रादर देन थिंकिंग ऑफ ओनली आई मी माइंड, यू थिंक ऑफ व्हाट इज गुड फॉर ऑल वी. Because then only you will reach He. You will reach He. That is the goal. Swami is our goal. Swami is our destination. See, I think इसमें भी थोड़ा सा एक point है. I'll give you an actual example of my younger brother in Canada. His wife was suffering some years ago. Some years, about 10 years ago, I used to do Reiki. So he told me that, wife ko aise problem hai, aap kuch kar sakte ho Reiki. That time I was doing Reiki. No, 10 years bhi nahi jata honge. It was even 2007 or 8. So maine Reiki ki yahan se, India se, and she was in Canada. And she became all right. तो माय ब्रदर थैंक मी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. तो अभी रिसेंटली शी डाइड अबाउट 4 इयर्स अगो, माय यंगर ब्रदर्स वाइफ. तो उनको जस्ट बिफोर शी डाइड ही कॉल मी, सेड भैया यू ऐसे का आपने पहले एक बार रेकी की थी, अभी वो फिर उसको बहुत बुरी हालत है एंड डॉक्टर्स एकदम बोल रहे हैं कोई होप नहीं है, तो आप उसको आप थोड़ा रेकी दोगे. मैंने कहा जी मैंने अभी रेकी करनी छोड़ दी है, बिकॉज आई एम इनटू विपश्यना एंड विपश्यना में वो दे आर अगेंस्ट रेकी,
यू हैव टू गिव इन राइटिंग, यू विल नॉट प्रैक्टिस रेकी, क्योंकि आप लोग बहुत करते हो, मिक्सर मिक्स कर देते हो रेकी एंड विपश्यना. एनीवे, सो आई हैव टू गिव इन राइटिंग दैट आई विल नॉट प्रैक्टिस रेकी, आई विल नॉट प्रैक्टिस इट ऑन माई सेल्फ, आई विल नॉट प्रैक्टिस इट ऑन अदर्स. सो मैंने ब्रदर को कहा मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रे करूंगा. पर एक बात है, मैंने आई टोल्ड हिम whatever you know I used to do in Reiki, that was also prayer. That was also prayer. But वो इतनी उसमें understanding नहीं थी उसका. Reiki में है कि फलाना बीमार है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा वो energy है, आप energy release करते हो, transmit करते हो, and the person gets well. How it happens, why it happens, वो हमको समझना भी नहीं है, हमको they also tell us not to try to understand. But ये जो विपश्यना में अभी मैं जब गया हूँ, तो I told my brother कि देखो हम जो हम pray करते हैं, हम pray करते हैं what is good for the soul. नॉट कि भाई वो तड़प रहा, उसको ये पेट में दर्द हो रहा है, उसको ऐसे ये फोड़ा हो गया, पस निकली है, तो वो फोड़ा ठीक हो जाए, उसका दर्द ठीक हो जाए, उसका कैंसर ठीक हो जाए, उसका ये ठीक हो जाए, वो हम ये नहीं बोलते. हम ये बोलते हैं वॉट एवर इज गुड फॉर द सोल प्लीज डू दैट, हम वो प्रे करते हैं. तो मेरे ब्रदर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शी हैज टू बी ऑल राइट, नो उसको ठीक हो जाए डॉक्टर, because doctors are saying that it is possible that she can recover fully, but unne uske liye aapko bahut lamba treatment karna padega. But maine socha ki maine unko bhi ha bol diya, aapko bhi bol raha hu, to maine kaha dekho main ye nahi kahunga ki uska rog bhi theek ho jaye, uski bimari theek ho jaye, main ye pray karunga ki uske jo soul hai usko bhagwan mukti de, main ye karta. To wo naraaz ho gaya mere se, kaha nahi nahi aap phir aap mat karo. So why I am telling you all this is, now as devotee of Swami, what should we pray? We should not pray, I mean, that is my way of thinking, ki bhai agle ko jo bimari uski bimari theek ho jaye. Hum ye kehte hain uska jo hai uske uska kalyan ho, uska uska mangal ho. हम जब ये कहते हैं तो मतलब वो उसका एट द सोल, एट द फिजिकल लेवल, एट द सोल लेवल, एट द मेंटल लेवल शी शुड रिकवर. द मेन थिंग इज द सोल, सोल शुड नॉट सफर. तो ये चूंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वी नीड नॉट टेल अदर्स. आई टोल्ड माय ब्रदर ऑफ कोर्स, बट दैट वाज ओनली बिकॉज ही वाज डिपेंडिंग मोर ऑन रेकी, सो मैंने आई हैड टू एक्सप्लेन टू हिम व्हाट एक्चुअली आई एम प्रेइंग. तो वो था, लेकिन इन आर केस सपोजिंग समबडी इज सफरिंग, डेफिनेटली वी शुड प्रे एंड नॉट ओनली पीपल दैट वी नो, इवन अदर्स. समस्त लोग का सुखिनो भवंतु, स्वामी ने क्या करके समस्त लोग का, नॉट ओनली इन अर्थ, नॉट ओनली ऑन अर्थ, जहां जहां कहीं भी लाइफ है, किसी भी प्लैनेट में देर आर लिविंग बींग्स, लेट ऑल बी हैप्पी. So that is what I mean, we should be praying. And we need not explain all these things to the people who are suffering, or if they are requesting us to pray for them, we need not tell them that we are praying in this manner. We are praying for the emancipation of the soul, not so much as the body or the mind. We are praying for the emancipation of the soul. So you need not tell all these things to the. उसको वो आप खाली बोल सकते हो कि हाँ, yes definitely we pray. And in fact, जब हम mostly हम pray जब करते हैं उसके welfare के लिए, तो उसके physical level पर भी उसको फायदा होता है, mental level पर भी फायदा होता है. But soul is the main thing. Soul should not suffer. हमारी as devotee हमारा stance वो होना चाहिए. This is what I think. Who takes the body, and why it takes the body? No, the soul has to take the body so that the mind and the body that is suffering along with it, the soul is suffering in the sense that it has to come upon the earth, it has to take a birth. So in the process, ये मैंने मैं स्वामी ने बोला ये बात. पहले वो कहते थे लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, लोका मीन्स ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ, बट देन स्वामी सेड नहीं समस्त लोका, कि वेयर एवर देयर आर लिविंग बीइंग्स, देयर इज लाइफ नॉट ओनली ऑन अर्थ, ही सेड देयर आर अदर यूनिवर्सेस आल्सो, देयर वेयर लिविंग बीइंग्स आर देयर. सो लेट वेयर एवर देयर इज लाइफ, लेट दैट लाइफ बी, आई मीन पीपल एवरीवेयर बी हैप्पी. बट देन
सोल हैज टू टेक द यू नो सफरिंग अपॉन इट. अब स्वामी को हमने देखा है इतना कष्ट भोगते हुए. स्वामी इज बियॉन्ड सफरिंग, स्वामी इज बियॉन्ड सफरिंग. अब अभी जब स्वामी वॉज ऑन व्हील चेयर, मैंने कई बार सुना, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, कि स्वामी जो व्हील चेयर में होते थे और एकदम एक तरफ मुंह लटका होता था, ऐसे पैरालाइज हो गया, ऐसे अंदर जाते थे बिल्कुल ठीक हो जाते थे. Somebody has been saying, I mean, I've heard this from so many people. Why Swami should do all that drama? अगर वो सचमुच करते भी थे, it was only to teach us कि he is beyond suffering, yet he is showing us how to suffer. तो क्यों सोल को हम खराब करें बार बार, बॉडी एक बॉडी और माइंड के साथ विशेष करें. भाई सोल इज लाइक प्योर वाटर, सोल इज लाइक प्योर वाटर. एंड सोल में एक बूंद खराब अगर विष की जहर डाल दो तो वो विशेष हो जाता है. तो सोल को एनवेलप करता माया, वही है. सोल गेट्स एनवेलप्ड विद माया एंड इट डज नॉट रिमेम्बर इटसेल्फ. वो तो बिल्कुल प्योर है बट इट गेट्स एनवेलप्ड विद माया. तो इस माने में सफरिंग सोल की, अदरवाइज सोल इज बियॉन्ड सफरिंग लाइक प्योर वाटर. लेकिन प्योर वाटर में भी अगर आप एक बूंद जहर मिला दो तो वो जहर बन जाता है. एंड ऑफ कोर्स थ्रू प्रोसेसेस यू कैन अगेन सेग्रीगेट दैट, उस विष को फिर बाहर निकाल सकते हो, फिर वो प्योर वाटर बन सकता है. तो सोल इज लाइक दैट. बट ये क्या है कि सोल गेट्स एनवेलप्ड विद माया और वो सोल को बार बार आना पड़ता है. जब हमारी डेथ हो जाती है, बॉडी नहीं रहती, माइंड तो रहता है, हमारे संस्कार तो रहते हैं, वो हमारे सोल को कवर करके रखते हैं, एनवेलप करके रखते हैं, छोड़ते नहीं. तो उस सेंस में सफरिंग सोल की मैं कह रहा हूँ. ऑल्दो सोल से सोल इज बियॉन्ड सफरिंग, दैट इज ट्रू, बट इन दिस शुडन्ट वी प्रे कि हमारे हमारी इस आत्मा को ये ना कवरिंग, ये माया की कवरिंग ना लेनी पड़े, ये ओढ़नी ना ओढ़नी पड़े.